अगर ये इंजन में अगर कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लाइट हमें इंडिकेट करता है कि भाई तुम्हारे इंजन में प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर में जाके उसको पहले रिपेयर करवाओ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो पहला पॉइंट देखते हैं, ये साइन क्या है। इस साइन को बोलते हैं माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प, राइट। इसको बोलते हैं माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प। मीन्स अगर हमारे इंजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये लाइन उसके लिए ही बना है, राइट। तो बेसिकली चेक करते हैं, जो हमारे इंजन होता है, इस इंजन में अगर कोई कुछ भी खराबी आता है, मीन्स अगर ये इंजन में अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लाइट हमें इंडिकेट करता है कि भाई तुम्हारे इंजन में प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर में जाके उसको पहले रिपेयर करवाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है इस लाइट का। तो बेसिकली माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प इसके लिए वर्क करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसर लगे हुए हैं इंजन के आजू बाजू में, जो सेंस करते हैं कि आपका इंजन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसका ही बहुत अच्छा ये फीचर है। तो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन के ये वर्क कैसे करता है इसको देखना है, राइट। डिजिटल कंज्यूमर मीटर में माल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प वर्क कैसे करता है हमें उसको चेक करना है। तो होता क्या है, अगर हम ये ऑन करते हैं तब ये कंटिन्यूस जलता रहता है। जब हम ये ऑन करते हैं तब ये कंटिन्यूस जलता रहता है। जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट 3-4 सेकेंड के बाद बंद हो जाना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखो, जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी, हमने ये इंजन चालू किया, अब ये लाइट 3-4 सेकेंड में बंद हो जाना चाहिए। तो ये लाइट हमारा बंद हो चुका है। अगर ये लाइट कंटिन्यूस जलता है तो बेसिकली आपके इंजन में प्रॉब्लम है। फिर से एक बार देखते हैं, बाइक को ऑन किया, इंजन का लाइट चालू है, हम इंजन ऑन करते हैं, अभी ये इंजन का लाइट 3-4 सेकेंड के बाद बंद हो जाता है। जैसे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं हमारा लाइट बंद हो जाता है। तो यही, अगर ये लाइट चालू रहता है आपका, तो समझ लेना आपके बाइक में इंजन आपके बाइक के इंजन को प्रॉब्लम हो चुका है, आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। ऐसे इसको रीड करते हैं। अब हम देखेंगे, अगर एक लाइट कंटिन्यू जलता है मीन्स इंजन में प्रॉब्लम है, अब आप सर्विस सेंटर जाओगे। तो थर्ड पॉइंट में सीखते हैं सर्विस सेंटर वाले करते क्या है। सर्विस सेंटर में जाने के बाद सर्विस वाले पहले आपका सेंसर जो होता है वो ECU से कनेक्ट होता है। मीन्स बाइक का जो ECU होता है उससे वो सेंसर कनेक्ट होता है। तो अगर आपके सेंसर में ही प्रॉब्लम हुआ, अगर आपके लाइट के सेंसर में प्रॉब्लम हुआ, तो पूरा वो सेंसर रिप्लेस करवाते हैं, राइट। अगर आपके इंजन में प्रॉब्लम हुआ, इंजन के आजू बाजू जो सेंसर लगे उसमें प्रॉब्लम हुआ, तो वो सेंसर रिपेयर करवाते हैं। तो इसका दो ही सोल्यूशन है। फर्स्ट सोल्यूशन है कि आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाना है। जैसा TVS ने बताया है कि अगर आपके लाइट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाओ। अगर लाइट कंटिन्यू जल रहा है तो आपको जल्दी नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा यूजफुल फीचर है ये फ्यूल इंडिकेटर लैम्प, माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प। हमारा सेकंड सॉल्यूशन है कि बाइक को 3 बार स्टार्ट करो, और थर्ड टाइम स्टार्ट करते तो बाइक को चला कर देखो। अगर इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो बहुत अच्छा बात है। मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इस बंदे का ये टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। बेसिकली ये दो ही सॉल्यूशन है। पहला आपको सर्विस सेंटर लेके जाना है, और दूसरा आपको ये चीज़ वर्क करना है। 3 बार चालू करके थर्ड टाइम आपको बाइक आगे लेके जाना है। तो लेट्स सी ये चीज़ें वर्क करता है कि नहीं। अगर ये वर्क करता है तो अच्छा बात है, नहीं तो आपको सर्विस सेंटर चेंज करना पड़ेगा। दूसरे सर्विस सेंटर में जाकर दिखाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।